भी देखना, बहुत दिन के बाद देख रही ना, बहुत दिन के बाद है ना, काफी टाइम हो गया ना देखे हुए। तो हेलो गाइस, अभी हमने एल्बम निकाल ली है और मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों को एल्बम दिखाऊं, आप लोग देखना चाहते हैं, कौन कौन देखना चाहते हैं। तो अभी जब मैं चेक करके आई हूं तो 134 के करीब मैसेज आ चुके हैं कि वो लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं दिखाने से पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इस एल्बम में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं मेरी फैमिली से, विपिन की फैमिली से, जो अब नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को, तो फिर होता है कि ये कौन है, ये कहाँ है। जैसे कि मेरा बड़ा भाई, मेरे सास ससुर, मेरे पापा और जो मेरे नंद और नंदोई हैं, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा मैं पहले बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको एल्बम। भाभी भी यहीं बैठी हुई हैं। भाभी क्यों हैं आज? लक्की का स्कूल गया था और वो एक साइन करके आ गया क्योंकि उसके 12th के एग्जाम है इस चक्कर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्बम देखना, दिखाना आपको। हेलो सही किया आप, भाभी आ रही है थोड़ा थोड़ा था। गणेश जी बने हुए हैं छोटे से, जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और अभी तक मेरी एल्बम बिल्कुल ठीकम ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको। तो ये ऐसे ओपन ही है, वैसे इसके दो चार पेज निकल चुके हैं। एक इधर मैंने जानबूझ के निकाला था अपने कमरे के लिए। तो ये है पहली फोटो। और मुझे अपनी ज्वेलरी बहुत प्यारी लगी थी और पहनने वाली भी अच्छी लगी थी। भाभी आपको मैं जब आपने मुझे वहां पे फर्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम देखा था तो लहंगा बड़ा प्यारा लगा था, भाभी की पसंद का लहंगा था। तो एक फोटो ये है, इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया मेरे फेस से, बाकी लहंगे का कलर वही आ रहा है और फेस से ब्लैक एंड व्हाइट सा लग रहा है कुछ। अभी बहुत सारी फोटोज मेरी आती रहेंगी, मेहंदी दिखाते हुए, टीका दिखाते हुए, पल्लू पकड़ के, कहीं झुमका पकड़ के, तो इस तरीके से बहुत सारी फोटो हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ नथ पकड़ी हुई है, घूंघट किया हुआ है। ये भी तो बताओ, मैंने खुद मेकअप किया था। हाँ बताया था मैंने एक बार ना घर पे एक फोटो दिखाई थी। तो अब शुरू हो गई है फोटो। मासी सास है हमारी, और मासी सास मतलब मम्मी ये दोनों बहनें हैं, और जो मतलब पापा और अंकल जी ये दोनों भाई थे। हाँ तो ये ससुर, ये पापा नहीं आई, मामा नहीं, है। मम्मी के बराबर में खड़े हुए हैं, मामा है भाग खड़े हुए हैं थोड़े से, पापा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये पापा है, ये पापा है, ये मम्मी है, भात लिया जा रहा है। ये विपिन अरो की साइड की एल्बम है, मेरे साइड की एल्बम नहीं है, कैसेट है। इनके साइड की एल्बम और कैसेट दोनों है। तो ये मम्मी के भाई हैं जो अब नहीं रहे हैं, ये वाले ना इधर वाले। हाँ तो मैंने बताया बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मतलब लोग हैं जो अब नहीं रहे हैं। तो ये बड़े भाई हैं इधर की साइड और वो वाले छोटे भाई हैं और मम्मी है। रोना आ जाता है जब भात वगैरह का कुछ सीन आता है, कहीं भी मैंने देखा है ना लोग भावुक हो ही जाते हैं। हाँ तो ये मम्मी है और ये जैसे भात वगैरह लिया जाता है तो वो सारे भतीजे वगैरह आते हैं, चौकी पे चढ़ते हैं। तो ये बड़े हैं, नरेश भैया हैं, ये उनसे छोटे हैं पिन्नी भैया, ये भी अब नहीं है, ये भी अब नहीं रहे। और ये भी भैया हैं, ये सारे भाई हैं, मतलब चार भाई हैं ना ये। और ये मम्मी की छोटी वाली भाभी हैं और ये भी मम्मी के भतीजे हैं। और ये भतीजे की वाइफ, भतीजे की कौन, ये सविता। अच्छा हाँ। और इधर भी ये छोटे भाई के बेटे हैं मम्मी के, और देख पापा हैं, ये हमारे ससुर जी हैं, बहुत अच्छे थे मम्मी, बहुत अच्छे थे और बहुत सुंदर भी थी मम्मी और पापा। और ये देखो विपिन लग रहे हैं ना प्यारे, उतारते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। उस टाइम इन्होंने बाल थोड़े बड़े बड़े से कर रखे थे, सलमान खान तेरे नाम स्ट्रेट कराए हुए थे, और जबकि इनकी बाल तो कर ली हैं। तो ये मम्मी, ये भी मम्मी की बहन की बेटी है ना। हाँ ये भतीजे की वाइफ है। हाँ और ये भतीजे की वाइफ है। हाँ थोड़ा तेज बोल, मम्मी के मायके से है ये। हाँ ये सब मम्मी के मायके से हैं और बान लगाए जा रहे हैं, हलद बान है ना। और ये हाँ ये मम्मी की भतीज बहू नहीं, भांजे की वाइफ, वाइफ ये मेरी नंद है, सगी नंद। और यही मैं इनके बारे में बता रही थी, यही अब नहीं रही हैं।
ये उसी दिन की फोटो है जिस दिन रात में शादी थी और दिन में ये सब जो हल्दी वगैरह उतार रहे थे, जो तेल उतारते हैं वो शुरू हो रखा है। और ये सब भी मतलब ये मम्मी के भाई की बेटे की बहू हैं और ये मम्मी की बहन की बेटे की बहू हैं, ये मम्मी की नंद हैं, विपिन की बुआ जी, और ये रीना भाभी हैं जो मासी सास मैं आपको बता रही थी या बताती हूँ, बहुत बार जिक्र किया है, ये उनके बड़े बेटे की वाइफ है रीना भाभी, मेरी जेठानी लगती है, ये अहमदाबाद में रहती है। हाँ, और भाभी तेल उतार रही हैं, और भाभी कुछ नहीं बोल रही है, मैंने कहा भाभी आप भी तो बताओ। और ये चाचा जी हैं विपिन के, मेरे चाचा ससुर हैं जिनका घर भाभी और मेरे घर के बीच में है। और ये मैंने आप लोगों को बताया था मम्मी के छोटे भाई की वाइफ है, और ये मासी सास हैं जिनकी बहू को भी मैंने बताया था रीना भाभी, विपिन है, और फिर वही मतलब सब, और ये मम्मी नीचे, और ये कल्पना दीदी, इनका नाम कल्पना था, बड़ा प्यारा नाम था। और यहाँ क्या हो रहा है, पूजा कर रही है, वो नहीं लगाई जाती, क्या बोलते हैं उसको, उस दिन वो कंगना वंगना जो पहनाया जाता है, जो कंगना वगैरह पहनाया जाता है वो सब हो रहा है इधर। ये कंगना पहना तो रही कल्पना, तो ये कल्पना दीदी हैं जो मतलब बहन कंगना पहनाती हैं, तो वो दीदी पहना रही हैं कंगना विपिन को। तो ये मंडा बांधा जा रहा है, मंडा बंधता है, तो ये मंडा बांधा जा रहा है जिसमें कुछ अपने फैमिली मेंबर्स हाथ लगाते हैं, और ये विपिन को तैयार कर रहे हैं उनके जीजा जी, कल्पना दीदी के जो हस्बैंड हैं वो उनको रेडी कर रहे हैं। हमारे इधर मतलब जो जीजा जी होते हैं, बहन के हस्बैंड होते हैं, वो ही तैयार करते हैं। और ये भी जीजा जी हैं, और जो हैं जो इधर हैं ये मासी के छोटे बेटे हैं मनीष भैया, जिनकी मैंने आपको बहुत बड़ी शादी की फोटो दिखाई थी, और ये जीजा जी के छोटे भाई हैं, ये भी इधर भी जीजा जी हैं, और ये अंकल जी हैं जो मासी हैं उनके हस्बैंड। तो विपिन के दोनों जो मतलब विपिन के पापा और विपिन के चाचा जी दोनों भाई भाई हैं, और उनकी दोनों मम्मियां मतलब एक घर में, कैसे बताऊं मतलब एक ही घर में थी। हाँ, दोनों अब ये मुंबई रहने लगी। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी थोड़ी देवर। हाँ, तो ये भी जीजा जी हैं, और ये सचिन भैया हैं मासी के बड़े बेटे, और इधर पापा हमारे ससुर और जीजा जी। और अब विपिन को सहरा वहरा बांधा जा रहा है, जीजा जी बांध रहे हैं, और मम्मी उनका टिक्का कर रही है सबसे पहले। और इधर आप लोग देखिए इस पिक्चर को ध्यान से, कौन है ये जिसने जो इतनी प्यारी सी लग रही है, ये है कविता भाभी, काकी भाभी, और जो मेरी जिठानी है, जो मतलब आप जानते हैं भाभी जी घर पे हैं। हाँ, जो भाभी जी घर पर है ये वो है, और ये मासी सास है, कितनी प्यारी लग रही है मासी तो बड़ी गजब लगती है। और ये रीना भाभी हैं, विपिन का टिक्का कर रही हैं, और ये रीना भाभी हैं, और सचिन भैया हैं, और ये दीदी जिया जी, ये सब अब टिक्का कर रहे हैं सब। और ये भाभी की बहन है सुनीता दीदी, और ये मेरी जो नंद है दीदी हैं, उनकी ननंद हैं ऊपर वाले फोटो में येलो साड़ी में, और जो नीचे हैं पिंक साड़ी में, ये उनकी देवरानी है, और ये मतलब दीदी जिया जी हैं, और ये चाचा ससुर हैं, और ये भी भाभी की बड़ी बहन है माया दीदी, और ये हमारे सामने रहती हैं शन्नू आंटी, और ये विपिन की बड़ी बुआ जी हैं, और ये मम्मी की बड़ी बहन की बेटी हैं, और ये हमारी बुआ जी हैं, बुआ सास, और ये मासी सास हैं। तो जो ये हैं ये इनकी बेटी हैं कुलवंत दीदी, और ये मतलब हमारे गांव में रहती हैं राखी दीदी, और ये बबली दीदी ये भी, और ये भाभी कविता भाभी जो मेरी जेठानी हैं उनकी छोटी भाभी हैं। तो अब यहाँ पे साई डाली जा रही है जो भाभी डालती हैं देवर को, तो भाभी साई डाल रही हैं विपिन को, और इधर रीना भाभी भी विपिन को साई डाल रही हैं। मैं किसी को साई नहीं डाल पाई, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा लगता है, मेरा कोई देवर नहीं है, तो मतलब जो हैं उनको मैं डाल नहीं पाई थी, और जो आगे भी हैं वैसे तो चाचा ताऊ के, लेकिन मैं किसी को नहीं डाल पाऊंगी, मुझसे कोई नहीं डलवाएगा, मेरे डाल दे लक्की को डालूंगी। तो ये भाभी खड़ी है, और ये मम्मी खड़ी हुई है, और विपिन दूल्हा बन चुके हैं, और ये खेड़े पे जाने की तैयारी हो रही है ना मंदिर में, मंदिर हाँ खेड़े और मंदिर पे जाएंगे, तो ये खेड़े पे जा रहे हैं जहां मैं आप लोगों को दिवाली पर दिखाया था। तो ये खेड़े महाराज जी हैं, अब तो यहाँ पे काफी चेंज हो गया है, और विपिन भाभी और मंदिर में हैं, यहाँ पे खेड़े पे हैं, और ये मंदिर है, दोनों अलग अलग जगह है ये। और ये जो मेरी नंद है उनकी छोटी बेटी है खुशी, और ये कार्तिक है जो अभी
बड़ा हो गया है जिसे आप देखते हैं, ये इतू सा था। देखिए दीदी कितनी प्यारी लग रही है, और रीना भाभी भी बहुत प्यारी लग रही है, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी यही सब हो रहा है, सब डांस वांस कर रहे हैं, इधर भी सब डांस कर रहे हैं। ये विपिन के सब फ्रेंड्स लोग हैं, इधर भी डांस चल रहा है। तो अभी डांस चल रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। हाँ तो इधर आ जाते हैं, इधर भी डांस चल रहा है, भाभी और रीना भाभी दोनों डांस कर रहे हैं, इधर भैया भी डांस कर रहे हैं, ये पापा, ये मतलब ये दोनों भाई भाई हैं, और जो मम्मी है और जो अंकल जी की वाइफ है वो हमारी मम्मी की मतलब छोटी बहन है, और जो मतलब पापा हैं ये छोटे भाई हैं। मैं नहीं समझा पाऊंगी, थोड़ा मैं वो मतलब सब समझ गए होंगे, समझ गए होंगे सब। तो अब देखिए ये मतलब पहुंच चुके हैं, और जो हुआ था कि हम लोग उधर से इधर आए थे शादी के लिए देहरादून, मतलब मेन देहरादून से तो नहीं हूं मैं, और ये विपिन आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं हॉल में, हॉल में तो नहीं थी, ओपन एरिया में थे ग्राउंड में। और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी बुआ जी है, ये मेरी दूसरी वाली बुआ जी है जो कोमल है उसकी मम्मी, और ये मेरी छोटी मामी है, और ये एक अंकल है हमारे पास वहीं रहते हैं, मेरी बड़ी मामी के पापा, और ये मेरी बड़ी भाभी है सुनीता भाभी, ये भूमि है उनकी गोद में, और ये सीमा मामी है, और ये मेरी मम्मी फिर से, और ये विपिन, इधर से भी वही सब, मेरी बुआ वगैरह मम्मी वगैरह, और ये जीजा जी मनीष भैया दोस्त है विपिन की, ये मेरा छोटा भाई है रूपक जिसको मैंने आप लोगों को घर पे दिखाया था उस टाइम, कितना सा था ये। तो ये तीनों मतलब भाभी दीदी और रीना भाभी, और इधर अब मैं आ चुकी हूँ, मेरी एंट्री हो गई है, और इस वक्त शायद विपिन मुझे देख रहे थे, मैंने देखा था चोरी से। कुछ चीजें होती हैं ऐसे एक टाइम की जो हमें याद रहती हैं। तो ये मेरी बड़ी मामी खड़ी है मेरे साइड, और ये मेरी बड़ी भाभी हैं सुनीता भाभी, मेरे बड़े भाई की वाइफ, और ये मैं, और इधर मेरी बुआ और रीना भाभी, इधर ये मेरी भतीजी है भूमि, उस टाइम बहुत छोटी सी थी, बड़ी हो गई अब तो, काफी बड़ी हो गई है ये, और ये मेरी बुआ की बेटी है बड़ी बेटी कोमल, और ये अब जयमाला हो चुकी है। अभी तक यहां अभी तक हाथ में है, और इधर हमने एक दूसरे को डाल दिया जयमाला, ये बीच में एक हम दोनों की बड़ी प्यारी सी फोटो लगा दी, जो बड़ी भी है और बड़ी प्यारी सी भी है। अच्छी लगती है कभी कभी शादी के एल्बम देखना। ये सचिन भैया हैं और ये काकी भाभी हैं, मम्मी पापा, और ये रीना भाभी और सचिन भैया, और ये जिया जी जो उस दिन आए थे, हमने जो छोटी सी पार्टी रखी थी, भैया भाभी और दीदी और जिया जी, और उधर मम्मी और पापा।
अभी नहीं है, और आप लोग पूछते हैं क्या हुआ था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ले रहे हैं ससुर जी का, और ये मेरी मम्मी है, मेरा टीका कर रही है। अरे यहाँ पे क्या होता है, जब शादी हो जाती है कंप्लीट मतलब, तो उसके बाद टीका किया जाता है लड़की का और दूल्हा दुल्हन का, दोनों का टीका किया जाता है। हाँ, जो मायके वाले होते हैं उनकी तरफ से होता है, नहीं टीनारों की तरफ दूल्हे का करते हैं खाली। हाँ, तो हमारी तरफ मतलब भाभीयरों की तरफ भी, हमारी तरफ भी, यहाँ गांव में भी दूल्हा दुल्हन का दोनों का टीका किया जाता है शादी होने के बाद। तो यहाँ मेरा टीका हो रहा है, ये मेरी बड़ी भाभी है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये मेरी बड़ी भाभी है, और ये मेरी बुआ जी है, और ये मेरी बड़ी मामी है, ये मेरा बड़ा भाई है। जब मतलब होता ही है, देखिए जब बहन विदा होती है तो बहुत रोना आता है, तो मेरा बड़ा भाई बहुत रोया था, बहुत ज्यादा। और ये मेरे पापा हैं, जिनकी पूरी एल्बम में झलक नहीं दिखी, तो ये मेरे पापा हैं इधर की साइड, और ये मेरी बुआ है, ये मेरी भाभी है, और ये विपिन और मैं हैं। तो हमारे यहाँ ना मामा गोदी में बिठाकर, गोदी में लेकर गाड़ी में बिठाकर आते हैं विदा करते टाइम। तो मेरे बड़े मामा हैं ये, और ये मामी है बड़ी, और मेरी मम्मी भी रो रही थी बहुत। गृह प्रवेश हो रहा है ये, तो ये मेरी सास है, मुझे मीठा खिला रही है सर पे कुछ, मतलब यहाँ ऐसा होता है कुछ पानी वगैरह रखते हैं वो बहू के ऊपर, ऐसे करके पीते हैं पानी को। तो ये विपिन की बुआ जी है, तो ये एल्बम की लास्ट फोटो है, मैं मम्मी और विपिन और बुआ जी। हम दोनों ने भी आज काफी टाइम बाद एल्बम देखी है, हम लोग देखते नहीं है, मन नहीं करता हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग एल्बम में ऐसे हैं जो अभी नहीं है हमारे बीच में, तो अजीब सा हो जाता है मन इस चक्कर में। और अब करते हैं वीडियो का एंड, अगर आप लोगों को एल्बम अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलो भाभी बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय, लाइक करना मत भूलिएगा। और भाभी कैसे एल्बम को लेकर बैठी हुई है।